नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में लोक आयोग चयन समिति की बैठक आज, सीएम धामी करेंगे अध्यक्षता। एक और सदस्य तय करने को लेकर बैठक, राज्यपाल को भेजा जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में आयुष्मान भव अभियान जारी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट। जिला स्तर पर कैंप लग रहे, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे सहयोग। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत, कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति ने मुंडवाया सिर तो बीजेपी बोली सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया। मानसून में आपदा से उत्तराखंड को 1417.51 करोड़ का नुकसान, जगह जगह सड़क और पुल टूटे, गन्ने की फसल हुई बर्बाद। आपदा सचिव बोले मदद के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और उत्तराखंड में स्पा देहरादून में स्पा सेंटर की आड़ में देव व्यापार का भांडाफोड़, नकदी और सामग्री बरामद, महिला मैनेजर और पुरुष गिरफ्तार, स्पा सेंटर के मालिक फरार। धामी की अध्यक्षता में गठित समिति एक और सदस्य तय करने को लेकर बैठक करेगी। नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 3 महीने में लोकायुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में चयन समिति की बैठक की जा रही है देहरादून में, जहां पर चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि सदस्य के अलावा एक विधि वेता के तौर पर सदस्य को भी शामिल किया जाना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एस एन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, यहाँ पर लोकायुक्त की एक मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इसमें विशेष रहने वाला है और एक सदस्य के जोड़ने की बात सामने आ रही है, कौन वह सदस्य हो सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय लोकायुक्त समिति की एक सदस्य को नामित करने के लिए कमेटी की बैठक ले रहे हैं। और इस बैठक में क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त का गठन उत्तराखंड है, तो लोकायुक्त की 4 सदस्यीय जो समिति है उसमें 1 सदस्य के कम होने के कारण लोकायुक्त अपने संघीय ढांचे को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार कमेटी की बैठक कर रही है। और बैठक में प्रस्तावित जो नाम है उसके मद्देनजर उस पर चर्चा की जाएगी। और संभवतः आज जब कमेटी की बैठक चल रही है तो उसमें जो 3 नाम सामने आ रहे हैं उन 3 नामों से 1 नाम पर अंतिम मोहर लगेगी और वो राज्यपाल की तरफ से सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के लोकायुक्त के गठन को लेकर के उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार ने हमेशा से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा किया है और ये कहा है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्पर है। इसी कड़ी में जब हाईकोर्ट से डायरेक्शन मिला तो उसके बाद कमेटी की बैठक हो रही है और उसमें 1 सदस्य को नामित करने की प्रक्रिया जारी है। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देहरादून में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक आज, सीएम धामी की अध्यक्षता में गठित की जाएगी समिति में एक और सदस्य तय करने को लेकर बैठक करेगी। भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और सांसद उत्तराखंड नरेश बंसल ने राज्यसभा में भी नारी शक्ति वंदन बिल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सकुशल नेतृत्व में पास होने पर हर्ष जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार और धन्यवाद दिया गया और देश के सभी नारी शक्ति को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। नई संसद के नए भवन में आज महिला वंदन अधिनियम
संविधान संशोधन 128, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। यह सिद्ध हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्तिकरण तक के जितने भी आयाम हैं वो सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे। 30 सालों से चला हुआ सफर, महिला आरक्षण की मांग, वो आज पूरी हुई है। मानसून में आपदा से प्रदेश को 1417.51 करोड़ का नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़क और पुल टूटे, गन्ने की फसलें बर्बाद हुई। आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। सचिव आपदा, हरिद्वार में सबसे अधिक 657.37 करोड़ का नुकसान। गन्ने की फसल को सबसे अधिक 464.49 करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़क क्षतिग्रस्त होने, जगह जगह पुल टूटने से 424.73 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीएमजीएसवाई की सड़कों पर 132.53 करोड़ का नुकसान। यूपीसीएल को 34.22 करोड़ का नुकसान हुआ है। जल निगम को 13.78 करोड़ तो वहीं जल संस्थान को 38.05 करोड़ का नुकसान हुआ है, जहां पर 15 जून से अब तक आपदा में 101 लोगों की मौत हुई है और 50 लोग घायल हुए हैं और 16 लोग अभी भी लापता है, जबकि 59 लोगों की आवास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बनमोला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मानसून में जो आपदा बरप रही है उत्तराखंड में, वो उसके जो आंकड़े नजर आ रहे हैं सामने, बहुत ही भयावह है, जहां पर बहुत सा नुकसान सामने आया है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? निश्चित रूप से स्फूर्ति, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी। कई जगह पर पुल टूटे, कई जगह पर आपदा जैसी स्थिति आ चुकी थी, कई जगह पर लैंडस्लाइड हुए। तो ऐसे में अब जो आकलन किया गया है उनके आंकड़े अब सामने आए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश को इस वक्त मॉनसून के कारण 1400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जगह जगह पुल टूटे हैं। कई, हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में बाढ़ जैसी स्थिति थी, डैम टूटे थे और इसके अलावा गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी थी। लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका था, गंगा नदी अपने उफान पर थी। चाहे पहाड़ की जितनी भी नदियां थी उनकी बात की जाए तो सभी नदियां अपने उफान पर थी और जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं, गंगा जी में मिलती हैं, उसके बाद गंगा जी उफान में थी। और इसी के साथ साथ पूरे जिलों में, अगर उत्तराखंड के 13 जिलों की बात की जाए तो 13 जिलों में से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हरिद्वार को हुआ है और इसी के साथ ही साथ कई विभागों को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि मानसून जो उत्तराखंड में आया था वो 15 जून से शुरू हुआ था और अभी भी लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। हालांकि एक दो दिन से बारिश नहीं हो रही, लेकिन आपदा की दृष्टि से देखा जाए तो नुकसान का आकलन हर दिन किया जा रहा है और कई लोगों के लापता होने की भी खबर उत्तराखंड में थी और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो सरकार है वो एक तैयारी कर रही है, एक प्रस्ताव बना रही है और तकरीबन वो प्रस्ताव 1100 करोड़ का होगा जो केंद्र को भेजा जाएगा और 300 करोड़ जो रुपए की व्यवस्था की जाएगी वो आपदा मोचन निधि से की जाएगी। लेकिन जो शेष धनराशि है उसको जुटाना सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि ये एक बड़ी रकम है और केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार हमेशा से उत्तराखंड के दृष्टि को देखते हुए पहले से भी फंड जारी करता है, पहले से ही फंड की व्यवस्था करके रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपदा सचिव हैं रंजीत सिन्हा, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी क्षति हुई है उसका आकलन किया जाएगा और उसी के दृष्टिगत जो सभी विभाग हैं, जिन जिन विभागों को क्षति हुई है उनके साथ एक बैठक की जाएगी और इसमें जो केंद्र को भेजे जाने वाला प्रस्ताव है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तकरीबन उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि जो ये है प्रस्ताव है ये 1100 करोड़ से या इससे ज्यादा का हो सकता है और फाइनल होने पे ये केंद्र को भेज दिया जाएगा। और उन्होंने भी यही उम्मीद जताई है कि केंद्र को भेजने के बाद राज्य को ये मदद मिल पाएगी। जी हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
प्रदेश सरकार इस समय पूरे प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान चला रही है। इस अभियान में सरकार की एक मुख्य योजना अधिक से अधिक व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भव योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचने के लिए विधानसभा जिला स्तर पर कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में आम जनता को इस कैंप तक ले जाने का काम कर रहे हैं और जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों के वोटर कार्ड को लेकर आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। आयुष्मान भव कार्यक्रम चल रहा है, जो आयुष्मान कार्ड हैं वो राज्य के 100% लोगों को प्राप्त हो, राज्य के 100% लोग अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखें और सरकार उनके स्वास्थ्य सुरक्षा का जो ध्यान रख रही है उसका वो लाभ उन लोगों को मिले। सरकार ने पहले ये राशन कार्ड पर 100% आयुष्मान कार्ड बनने का जो प्राविधान था उसको अब चुनाव पहचान पत्र जो हमारा वोटर आईडी है उस पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है और आजकल आयुष्मान भव के विधानसभा स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैंप लग रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं और इन सारे शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक वॉलंटियर बनकर लोगों को कैंप तक ले जाने का काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार, डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के द्वारा सिर मुंडवाया गया, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ये एक निंदनीय बात है। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सिर मुंडवा रही है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता में नहीं है कि महिलाएं सिर मुंडवाएं। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने समाचारों की सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा कार्य किया है।
परिपक्वता, नैतिक पतन की पराकाष्ठा और इस तरीके का जो इन्होंने ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहूंगी कि अपनी सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, टीवी न्यूज में छपने के लिए अगर कांग्रेस की बहनें इस प्रकार से अपना जो एक प्रश्न खड़ा कर देती हैं किसी भी नारी शक्ति के लिए, नारीत्व के लिए, स्त्रीत्व के लिए, क्योंकि इस तरीके की हमारी संस्कृति नहीं है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की निर्धारित थीम के आधार पर सितंबर माह का पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके द्वारा सुपोषण भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिला स्तर से पोषण रथ खतीमा विकास खंड में पहुंचा, जिसके साथ सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा विकास खंड क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई। क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी संगम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोषण रथ विकास खंड खटीमा क्षेत्र के सभी ग्रामीण और नगरीय इलाकों में ग्रामीण समग्र पोषण के लिए प्रचार प्रसार करेगा। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस बार के पोषण माह की थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, और जिसके अंतर्गत 6 प्रकार की थीम दी गई हैं। विशेष स्तनपान पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, मिशन जीवन के माध्यम से पोषण सुधार, मेरा माटी मेरा देश, जनजाति केंद्रित पोषण संवेदीकरण, एनीमिया केंद्रित पोषण संवेदीकरण। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जिले स्तर से पोषण रथ बाल विकास परियोजना खटीमा में पहुंचा और वो इस क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। दून पुलिस ने स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया। दून पुलिस ने स्पा सेंटर की महिला मैनेजर इरकम निवासी देहरादून और एक पुरुष अमीर निवासी देहरादून को गिरफ्तार किया है। वही स्पा सेंटर के मालिक मनोज कुमार निवासी सहारनपुर अभी फरार चल रहा है। स्पा सेंटर से 41,500 रुपए और अश्लील सामग्री बरामद हुई है। तो इसमें पूरी जानकारी मिलने के पता चला कि अन्य प्रांतों से जो लड़कियां यहाँ पर आती हैं, पहले उनको स्पा सेंटर के नाम पर जॉब देते हैं, इसके बाद एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर उनको प्रलोभन देकर, उनको कहीं मिसगाइड करके और उनको इस गलत कृत्य में करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें तीनों पीड़िताओं लड़कियों को हमने मुक्त कराया और उनके बयान लिए गए। इसमें 2 अरेस्टिंग हुई, एक कस्टमर की मौके पर अरेस्टिंग हुई जिसमें आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली, साथ ही साथ 41,000 रुपये कैश भी जो इन सब एक्टिविटीज़ पर उसने दिए थे वो सारी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं। और जो फरार है मौके से, उसका ओनर जो है सहारनपुर का मनोज, उसके लिए टीम हमारी भेजी गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर एसएसपी के अल्टीमेटम का असर दिखाई दिया। चाकू की नोक पर हुई लूट का रायपुर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा किया। 3 शातिर लुटेरों को माल सहित गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमनाथ नगर के पास वारदात हुई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने थाना अध्यक्ष को तत्काल लूट की घटना का खुलासा करने का अल्टीमेटम दे दिया था। एसएसपी के अल्टीमेटम के बाद थाना रायपुर पुलिस में हड़कंप मच गया था। रायपुर के सोमनाथ एरिया पड़ता है सोमनाथ नगर, वहां पर एक बाइक सवार के साथ चाकू दिखाकर 3 लोगों ने उसका बैग लूट लिया था और वो फरार हो गए थे। इसमें समस्त सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर उसमें संदिग्धों की पहचान की गई थी, जिसमें 3 लोग को गिरफ्तार किया गया जो लोकल ऋषि नगर के निवासी हैं। इसमें से एक रोहित जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है और 4800 रुपये जो बैग में थे, अन्य जो दस्तावेज थे, वो समस्त बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा लालकुआ मंडल अध्यक्ष प्रमांशु श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुख्य चौराहे पर द्वारहाट विधायक मदन बिष्ट का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने द्वारहाट के कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक टेंडर नहीं मिल पाने की वजह से अपना गुस्सा एक शिक्षक पर जाहिर किया और जमकर अभद्रता की गई, जिससे कि युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। जहां एक और पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन करने की कार्रवाई की जा रही है, तो उसी क्रम में लालकुआ में भी विधायक का पुतला फूंका गया है।
भारतीय जनता युवा मोर्चा लालकुआ मंडल अध्यक्ष प्रमांशु श्रीवास्तव के नेतृत्व में युवा मोर्चा के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुख्य चौराहे पर विधायक मदन बिष्ट का पुतला दहन किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। शिक्षक पर जाहिर किया गया जमकर अभद्रता की, जिससे कि युवा मोर्चा कार्यकर्ता में भारी आक्रोश व्याप्त है। द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट जी द्वारा जो एक शिक्षक के संग अभद्रता की है कॉलेज के परिसर में जाकर, उनके संग गाली गलौज करी, काफ़ी उल्टा सुल्टा बोला, शिक्षक को बेइज्जती की करी शिक्षक की, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने। इसलिए पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा द्वारा जो पुतला फूका जा रहा, आज हमने लालकुआ में भी पुतला फूक के उसका विरोध किया है। मदन बिष्ट कांग्रेस के विधायक है, वहाँ के जो टेंडर था कि मतलब कॉलेज के जो टेंडर आता है उनको नहीं मिला वो टेंडर, इस चंद पैसों के लिए उन्होंने वहाँ के निदेशक को गाली दी, जो कि सरासर गलत है। वहाँ के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ने वहाँ के उनके खिलाफ नारेबाजी की और वहाँ के कॉलेज में पुतला भी दहन किया गया। इसी को देखते हुए हम पूरे उत्तराखंड में युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन की जा रही है। जो द्वाराहाट में जो यूनिवर्सिटी है, विपिन त्रिपाठी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो कॉलेज में टेंडर पास होने थे, वो वहाँ के डायरेक्टर ने टेंडर जो है बीजेपी के किसी नेता को पास करवाए, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी के उससे। लेकिन वहाँ जो विधायक थे, मौजूदा विधायक जो है मदन बिष्ट, उनकी ये नाराज़गी जताते हुए उन्होंने उस कॉलेज के डायरेक्टर को भला बुरा कहा, रात में जाके उनके घर में जाके भला बुरा कहा, जो कि सरासर गलत है। और इस चक्कर में पूरे कॉलेज के वहाँ पर भी इनका पुतला दहन किया गया था और पूरे उत्तराखंड में युवा मोर्चा द्वारा भी ये पुतला दहन किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।